वेलकम टू अनदर वीडियो। ये ब्लैक लॉक एपिसोड 148 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या ब्लैक लॉक एपिसोड 148 में, तो उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं कि डाजो और बो दोनों की नज़दीकें बढ़ना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को रिलेट कर पाते हैं क्योंकि दोनों के साथ ही काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हुआ है। यहाँ पर जहाँ वो एक पक्के और अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जहाँ वो जान पाते हैं कि बाकी लोग उनको उनकी तरह नहीं देखते, मतलब उनको नॉर्मली ट्रीट नहीं करते, जहाँ पर उनके लिए वो वीकलिंग्स और उनको काफ़ी हद तक अपने बराबर नहीं मानते। तो ये था उनका छोटा सा रीकैप और एक गहरी दोस्ती। और इसके बाद हम लोग पहुँचते प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ कैप्टन यामी रीइंफोर्समेंट के नाम पे आ चुके हैं। मतलब रीइंफोर्समेंट से मतलब है और भी बाकी लोग आ रहे हैं, जहाँ पे पहले पहुँचे कैप्टन यामी, जहाँ कैप्टन यामी उन लोगों से सिर्फ बात करना चाहते हैं, एक अहम चीज़ को लेकर बात करना चाहते हैं कि कैसे क्या होना है और तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा बदलना चाहिए। लेकिन उन्हें लगता है कि यहाँ पे कैप्टन यामी एक मैजिक नेट है जो कि उन्हें रोकना चाहते हैं और बाकी लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं दोबारा इस पेट किंगडम की ओर। और लेकिन तभी वहाँ पर आस्था अपनी फूर्ति दिखाता है और यहाँ पर नोलिल और नैरो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो अब नैरो और नोलिल आज़ाद हो चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बाकी के दो कैप्टन भी पहुँच चुके हैं, जो कि रीइंफोर्समेंट के नाम पे वहाँ आ रहे थे, जो है कैप्टन सिल्वा और फिंगलियन, और साथ में एक स्पेशल मैजिक करने वाला बंदा भी। लेकिन डाजू यहाँ हार नहीं मानते और बाकी सब उनकी शक्तियाँ मांगती है, जहाँ पर उनके माना को अपने कैटलिस्ट वाली शक्तियों से, मतलब दो शक्तियों को जोड़ने वाली शक्ति से कुछ करती है और कुछ का कुछ हो जाता है, जहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ जाता है, जहाँ पे शायद स्ट्रॉन्ग माना रीजन से एक मैजिकल बीस्ट को उसने समन कर लिया अपनी शक्तियों से इनडायरेक्टली, जहाँ डाजू सच में इम्प्रेसिव है और वो अपनी शक्तियों से खुद भी इम्प्रेस हो चुकी है। लेकिन वो सिर्फ उसको समन कर सकती है, कंट्रोल नहीं, जहाँ वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिस बीच यहाँ मैग्नेट की शक्ति हम देख सकते हैं और बाकी के मैजिक नाइट्स की शक्ति भी आप देख सकते हैं, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है, जिसको हमने यहाँ प्रीव्यू में देखा था। तो मतलब प्रीव्यू में कुछ और दिखाया था, जहाँ पर रियलिटी में लोग डायरेक्टली नहीं लड़ रहे, लेकिन इनकी शक्ति से एक मॉन्स्टर समन हो चुका है जिससे लड़ना है मैजिक नाइट्स को और बचाना है इन सब लोगों को। और आस्था भी बिना हथियारों के लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, सच में बंदा हार नहीं मानने वाला। जहाँ डाजू समझ पाते कि आस्था अपनी बुक के लिए वहाँ नहीं आया था, वो सिर्फ उनको बचाने के लिए वहाँ पर आया था, जाके जहाँ पर बाकी के मैजिक नाइट्स भी अपनी कमाल की शक्ति दिखाते हैं और कैप्टन यामी के तलवार के साथ हम देख सकते हैं धार नोजल सिल्वा के मरकरी की, जहाँ सब चौंक चुके हैं मैजिक नाइट की शक्तियों से, जहाँ पे इतने सारे लोगों का माना लोगों ने कलेक्ट किया और इनको काफ़ी आसानी से हरा दी यहाँ पर मैजिक नाइट्स ने, जहाँ इन लोगों की चिंता ये है कि इन लोगों की सज़ा मिलने वाली है इन किस करतूत के बदले। तो ये लोग गलत सोच रहे हैं, यहाँ पे ये लोग इन्हें सज़ा देने नहीं आए, ये बस कुछ बात करना चाहते हैं, जिस बीच यहाँ पर सामने आते हैं कैप्टन वेंजेंस और साथ में कीरा भी, जहाँ कैप्टन वेंजेंस सारी बात करते हैं, जहाँ पे कैप्टन वेंजेंस इनके लिए हीरो है क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि उसी ने बचाया था इन लोगों को एल्फो से, क्योंकि लास्ट में हम देख पाए थे कैप्टन वेंजेंस की शक्तियों को ही। तो वो सामने आता है और सबकी जिम्मेदारी लेता है कि हाँ हम लोग गलत थे, हमने इक्वलिटी में थोड़ी गलती की, और बाकी के मैजिक नाइट भी जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ हम लोगों की गलतियाँ भी थी और हम सब इक्वलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर सबको बराबर होने का हक हम दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, बस थोड़ा टाइम और दो। जहाँ लोगों को लग रहा था बात तो अच्छी है लेकिन सच्ची कितनी है, पर तभी यहाँ पे कैप्टन वेंजेंस अपने सर के ऊपर से अपना वो मुकुट उतारते हैं और देख पाते हैं कि कैप्टन वेंजेंस की रियल शक्ल कैसी है, जहाँ पे वो अपने इसी रूप के वजह से काफ़ी तक डिस्क्रिमिनेट हुए थे, पर उसके बावजूद उनके करंट विजर्ड किंग यानी कि जूलियस ने उनको अपनाया और उन्होंने चाहा कि वो भी बराबरी का हक पा सके और इस तरह से वो बन पाए सबसे नंबर वन मैजिक स्क्वाड यानी कि गोल्डन डॉन के कैप्टन। अब इसके बाद बाकी लोगों को भी ये बातें रिलेटेबल लगती हैं और एक बार के लिए तो भरोसा कर ही सकते हैं मैजिक नाइट्स की बातों पर, और सब वापस अपने अपने गृहस्थ की ओर निकल जाते हैं। पर डेविल बिलीवर के लीडर्स को ऐसी मोहलत नहीं मिली, क्योंकि वो लोग एक किडनैपर रह चुके और उन्होंने मर्डर भी किए हैं बहुत सारे लोगों के, तो उनको उसकी सज़ा मिलने वाली है। लेकिन एक सेकंड, सज़ा किसने का सज़ा मिलेगी उन्हें? उन्हें जज किया जाएगा और उसके बेस पे उनकी सज़ा ये है कि उन लोगों को क्लोवर किंगडम से बाहर निकाला जाता है, उन लोगों को देश निकाला दिया जाता है, उन लोगों को राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब ऐसे कुछ हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे ओवरऑल डाजू और बाकी सभी अपने हिसाब से समझ पाते और खुद की आइडियोलॉजी क्रिएट कर पाते कि वो सही नहीं थे, उन्होंने जो भी किया वो गलत था, उन्हें आस्था की तरह खुद का रास्ता चुनना चाहता, जहाँ पे मेहनत ज़रूर थी पर मंजिल उन्हें ज़रूर मिल जाती अपने हिसाब से खुश रहने की। जहाँ डाजू आस्था को उसका ग्रीम और वापस कर देती है और साथ में बाकी लोग भी वहाँ से विदाई लेते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम ध्यान रखना, जो भी तुम लोगों ने कहा है वो सच हो, ताकि इन फ्यूचर कोई भी डेविल बिलीवर ना बने। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं क्लोवर किंगडम को छोड़ने के लिए और स्पेट किंगडम की तरफ बढ़ने की ओर, जहाँ वो याद करती है कि उसने एक पाप तो किया था और वो था अपने पति और उसकी माँ को मरने देने का,
जहाँ फ्लैशबैक देख पाते कि उसने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसने कहा कि कुछ करो जल्दी से, बेकल बेकर नासपीटी औरत, मतलब ऐसे उसने कुछ कहा उसको समय, जिसके वजह से डाजो ने उन दोनों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, जिसका उसे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि उसके हाथ का घाव तो धीरे धीरे भर जाएगा, लेकिन वो घाव जो उसे दिल में लगा है वो कैसे भरेगा, जहाँ उसने उसकी ज़िंदगी में काफ़ी नफरत घोल दी थी और अब वो उन सबको भूल कर अपने साथियों के साथ स्पिरिट किंगडम की तरफ बढ़ रही है ताकि वो डेविल की शक्ति को हासिल कर सके और शायद पावरफुल बन सके। तो अब जानते क्या होगा आगे, जहाँ पर इसके प्रीव्यू में देख पाते हैं कि काफ़ी सारी कमाल की चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है, मतलब काफ़ी हद तक डीमोटिवेट करने वाली चीज़ें यहाँ मिल रही है कि यहाँ पर लोरा पचेका की हेल्थ ख़राब हो रही है और इन्हें कुछ ढूंढना है, साथ में यहाँ पर कुछ भिड़ंत हो रही थी कैप्टन यामी की। तो अब देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है एपिसोड 149 में ब्लैक क्लोवर के, जहाँ कुछ रिलेटेड है नैरो से भी और कुछ सीक्रेट से भी, जहाँ पे लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 149 में, अपने विचार हमने चेक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलो। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।